दोस्तों हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा कौन सा होता है, या कहें तो शरीर के कौन से हिस्से के बिना इंसान बेकार है। चलिए छोड़िए, किसी और तरह से पूछते हैं, किस बॉडी पार्ट के बिना इंसान की जिंदगी अंधेरों में रह जाती है। आज आप सोच रहे होंगे कि आकाश भाई आज ये कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, है ना। रुकिए रुकिए, आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों वैसे तो हमारे शरीर का हर एक हिस्सा हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन हमारे इन सब में आंखें ऊपर वाले की दी हुई वो सबसे बेहतरीन चीज है, जिससे हम पूरी दुनिया में ऊपर वाले की बनाई हुई हर चीज को देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूँ अंतरिक्ष यात्रा चैनल में। जिस तरह से आंखें हमारे लिए बहुत जरूरी होती है दोस्तों, उसी तरह से वैज्ञानिकों ने भी अंतरिक्ष में देखने के लिए ऐसी ही एक आंख बनाई जिसे कि हम दूर से दूर देख सकें, और उसे नाम दिया द हबल स्पेस टेलीस्कोप। सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज आज से करीब 400 साल पहले की थी। उनके शानदार आविष्कार से हम दूर की कोई भी चीज़ बहुत नज़दीक से आसानी से देख सकते थे। अंतरिक्ष इतना विशाल है दोस्तों कि उसे पूरा पृथ्वी से देख पाना नामुमकिन था, इसलिए 24 अप्रैल 1990 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से इसे कक्षा में स्थापित किया गया, और इस तरह से पृथ्वी की आंख कही जाने वाली द हबल स्पेस टेलीस्कोप का जन्म हुआ। वैसे इसकी हिस्ट्री और भी आश्चर्य करने वाली है। सबसे पहले अंतरिक्ष टेलीस्कोप का प्रस्ताव सन 1923 में आया था, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए फंड 1970 में अलॉट किया गया। शुरुआत में हबल टेलीस्कोप का नाम द लार्ज स्पेस टेलीस्कोप था, जिसे कि बाद में बदलकर द हबल स्पेस टेलीस्कोप कर दिया गया, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर रखा गया था। एडविन हबल ने हमें बताया था कि जैसे कि हमारा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी में है, उसी तरह से बहुत सारी गैलेक्सी दुनिया में है, और साथ ही साथ हबल ने यह भी साबित किया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये ब्रह्मांड फैल रहा है, और इसके बाद ही बिग बैंग की थ्योरी को बल मिल पाया था। लेकिन राह भी इतनी आसान नहीं थी दोस्तों ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को सुलझाने की। हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के ठीक एक महीने बाद जब टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपनी आंखें खोली तो वहां का नजारा धुंधला था। साइंटिस्टों को यह समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी दोस्तों कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर में कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जरूर है। अब साइंटिस्टों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी, अब वो ये थी कि इतना पैसा, मेहनत और समय के बाद का रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था, और साथ ही साथ स्पेस में कंटिन्यू ऑर्बिट कर रहे ऑब्जेक्ट को रिपेयर कैसे किया जाएगा। फाइनली आपसी सहमति के बाद ये डिसाइड किया गया कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में जाकर ही सही किया जाएगा। दिसंबर 2, 1993 से लेकर दिसंबर 13, 1993 तक 5 स्पेस वॉक के जरिए हबल स्पेस टेलीस्कोप में हुई गलती को सुधारा गया, और साथ ही साथ शटल एस्ट्रोनॉट ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के वाइड फील्ड प्लेनेटरी कैमरे को बदलकर 10 छोटे मिरर वाला एक नया उपकरण स्थापित किया, जो कि प्राइमरी मिरर से बाकी 3 वैज्ञानिक उपकरणों के लाइट पाथ को सही करने के लिए था। हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया वो मास्टरपीस है दोस्तों, जिसने मानव सभ्यता को अंतरिक्ष के और करीब ला दिया। हबल का साइज एक स्कूल बस जितना है। आसमान में 12 टन की आंख बनाना सच में एक मिरेकल ही है ना दोस्तों। आपको ये बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हबल की ताकत उसमें लगे 8 फीट चौड़े मिरर से आने वाली थी, जो कि पूरे यूनिवर्स से आने वाली रोशनी को किसी एक जगह पर टारगेट करता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप है दोस्तों, जिसके जरिए हमने कई ऐसी गैलेक्सीज को देखा है जो हमसे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप में एक 2.4 मीटर का एक प्राइमरी मिरर लगा हुआ है, और इसमें लगे 4 मेन इंस्ट्रूमेंट किसी भी दूर से दूर ऑब्जेक्ट को अलग अलग फ्रेम में देखने में मदद करते हैं, जिसके जरिए हम किसी भी गैलेक्सी, स्टार या नेबुला को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हमने देखे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य, जिसे जानकर वैज्ञानिक भी सकते में पड़ गए थे। हबल के जरिए हमने देखा ब्रह्मांड में बनी एक ऐसी आंख जिसे बहुत से लोग द आई ऑफ गॉड भी कहते हैं, जैसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया द हेलेक्स नेब्यूला। हेलेक्स नेब्यूला पृथ्वी से करीब 650 प्रकाश वर्ष दूर एक संरचना है। जो लोग प्रकाश वर्ष के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि प्रकाश वर्ष एक साइंटिफिक मेजरिंग इक्विपमेंट है, जिसके जरिए हम दूर से दूर अंतरिक्ष में स्थित संरचनाओं की दूरी को मापते हैं। नहीं समझे, चलिए और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि प्रकाश की गति अब तक की सबसे तेज मानी गई है। प्रकाश के यात्रा करने की गति 300,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब इसी के आधार पर अगर हम सोचें कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी लंबी दूरी की यात्रा करेगा, तो बता दें कि एक प्रकाश वर्ष की दूरी 9,460,000,000,000 और 80 करोड़ किलोमीटर होती है। है ना हैरान कर देने वाली दूरी दोस्तों। इसी दूरी को हम एक लाइट ईयर कहते हैं।
वापस आते हैं हैलक्स नेब्यूला पर। जैसा हम बता रहे थे कि हैलक्स नेब्यूला हमसे 650 प्रकाश वर्ष दूर एक संरचना है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हैलक्स नेब्यूला का जन्म एक विशाल तारे में हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हुआ है। हैलक्स नेब्यूला एक प्लेनेटरी नेब्यूला है और ऐसे नेब्यूला तारों के मरने के बाद बनते हैं। वैसे अगर हम इसके आकार की बात करें दोस्तों, तो ये नेब्यूला वास्तव में बहुत सारी गैलेक्सीज के बराबर है। दोस्तों आपको बता दें कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हमने ब्रह्मांड में मैसियर 74 गैलेक्सी की भी खोज की। ये गैलेक्सी हमसे 32 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये पूरी गैलेक्सी गैस और डस्ट से बनी हुई है। इस गैलेक्सी को हम सर्कल आकार गैलेक्सी भी बोलते हैं और साथ ही साथ हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए देखने पर इस पर हमें बहुत अधिक लाइट का सोर्स नजर आता है और हबल से ये गैलेक्सी बहुत अधिक जगमगाती हुई दिखाई देती है। हालांकि कई दर्जन छोटी गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सीज के करीब हैं, लेकिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि हबल की एक महान खोज है, वो हमारी सबसे बड़ी स्पाइरल गैलेक्सीज में से एक है। ये गैलेक्सी पृथ्वी से करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और आपको बता दें कि ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि पृथ्वी से इंसानों द्वारा टेलीस्कोप के जरिए देखे जाने वाला ऑब्जेक्ट है। इस गैलेक्सी को हम मैसियर 31 गैलेक्सी भी कहते हैं। हम ये सोचते थे कि हमारे ब्रह्मांड में उतने ही ग्रह हैं जितने हमारे वैज्ञानिकों द्वारा हमें बताया गया है, लेकिन सन 2003 में नासा के हबल टेलीस्कोप के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि हमारी गैलेक्सी के छोर पर एक ऐसा ग्रह है जिसकी आयु लगभग 13 अरब वर्ष है। यह ग्रह ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बूढ़ा ग्रह माना गया है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 7 अरब साल पुराना है और इसका जन्म बिग बैंग के कुछ करोड़ वर्ष पश्चात हुआ था। ब्रह्मांड के सीनियर सिटीजन का नाम है PSR B162026b। इसके दो और अनऑफिशियल निकनेम भी हैं, जिनमें से एक है मैथ्यूसेलस और दूसरे का नाम है जेनेसिस प्लेनेट। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 12,400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और इसका घनत्व जुपिटर से 2 गुना अधिक है। मजे की बात यह है दोस्तों कि यह एक सर्कमबाइनरी प्लेनेट है। सर्कमबाइनरी प्लेनेट उस ग्रह को कहते हैं जो एक नहीं दो दो तारों के चक्कर लगाता है। ये जिन दो तारों के चक्कर लगा रहा है उनमें से एक स्टार का नाम है पल्सर स्टार और दूसरे को हम वाइट ड्रॉप भी कहते हैं। इतना ही नहीं, ये दो तारे 14 करोड़ किलोमीटर के अंतर से एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों आपको एक और बात बताते हैं कि कुछ समय पहले हबल टेलीस्कोप को एक बहुत बड़ी गैलेक्सी के बीच में कुछ असामान्य ब्राइटनेस दिखाई दी थी, जिसके बारे में वैज्ञानिक सोचने पर मजबूर हो गए थे। उसका प्रकाश इतना तेज था कि उसे कोई भी आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता था। 2017 में इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप ने M87 की कुछ फोटोज निकाली, जिसमें एक अंधेरे वस्तु के आसपास रेडियो उत्सर्जन की एक असीमित रिंग दिखाई गई थी। बीच का ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की छाया था, जो कि खुद ब्लैक होल से लगभग 5 गुना बड़ा था। हबल और होराइज़न टेलीस्कोप की मदद से हमने फाइनली एक ब्लैक होल की पहली बार लाइव तस्वीरें देखी थी। आपको बता दें कि एक ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का 6.5 अरब गुना और 38 किलोमीटर के पार होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि उससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। उस गैलेक्सी को वैज्ञानिकों ने नाम दिया मैसियर 87। इस गैलेक्सी को हम वर्गो ए और NGC 4486 भी कहते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ी गैलेक्सीज में से एक है और यह पृथ्वी से करीब 54 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। साथ ही साथ इस गैलेक्सी के बीच में बने अगर हम ब्लैक होल की बात करें, तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना पावरफुल होता है कि उसके एरिया में आने वाली वो हर चीज़ को अपने अंदर समा लेता है। यह हबल और होराइज़न टेलीस्कोप की मदद से निकाली गई अब तक की सबसे क्लियर इमेजेस में से एक थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के इतने सारे राज हमें बताए जिसके बारे में शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इनमें से कुछ जैसे NGC जॉइंट क्लस्टर, जो कि पृथ्वी से करीब 330 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, कैरिना नेब्यूला जिसे कि हम HS901 भी कहते हैं, और हॉर्स हेड नेब्यूला जैसी अद्भुत खोज हबल के जरिए हमें देखने को मिली। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है। ऐसे ही हबल स्पेस टेलीस्कोप को हमारे लिए काम करते करते लगभग 30 साल से ऊपर हो चुके हैं और अब ये टेलीस्कोप बूढ़ा हो चुका है। अंतरिक्ष में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की टक्कर की वजह से इसमें डैमेज होते रहते हैं। अपने हर चक्कर के साथ ये पृथ्वी की सतह के एटमॉस्फेयर में घुसता जा रहा है। काश हम हबल स्पेस टेलीस्कोप को पहले जैसा बना पाते, काश दोस्तों हम इसे संभाल के रख पाते।
जिन लोगों ने इसे बनाया है या बनते हुए देखा है उनके लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप एक मशीन से कहीं ज्यादा है। उन लोगों को हबल से मिली अद्भुत जानकारी पर नाज है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें दिखाया दोस्तों कि यूनिवर्स में कई हैरत अंगेज चीजें मौजूद हैं, जिनका आकार वैसे तो हमारी धरती से खरबों गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी वो हमारे यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना तो ये भी है दोस्तों कि अगले कुछ और साल ये हबल स्पेस टेलीस्कोप बखूबी काम करेगा, फिर उसके बाद ये पृथ्वी में आकर गिर जाएगा। जिस वक्त यह होगा उस वक्त यह फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी हद तक जल चुका होगा, लेकिन खुशी की बात यह होगी दोस्तों कि इसमें सबसे ज़रूरी अंदर लगे मिरर बच जाएंगे। लेकिन क्या ब्रह्मांड को लेकर हमारी खोज यहीं पर रुक जाएगी? क्या हम कभी ब्रह्मांड के अनसुलझे राज के बारे में नहीं जान पाएंगे? क्या धरती की आँख हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? अगली वीडियो में इन सारी बातों का जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों आपको, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और अंतरिक्ष से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले अंतरिक्ष के सफर में, तब तक के लिए नमस्कार।